जी स्टूडेंट्स, इनवाइस रेज्ड ऑन 10 जनवरी 2018, यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं कि 10 जनवरी को एक इनवाइस रेज हुई, ठीक है, और इनवाइस की जो वैल्यू है वो भी यहां लिख लेते हैं, सॉरी वो मैं भूल गया लिखना, वैल्यू ले लेते हैं कोई भी 20,000 इनवाइस की वैल्यू है, और उस पर टर्म लिखी हुई है, टर्म अभी मैंने एक्सप्लेन की आपको 3, 10 and 25। इसका मीनिंग ये है कि 3% डिस्काउंट शेल बी एप्लीकेबल इफ द पेमेंट इज मेड ऑन 10 डेज, विद इन 10 डेज, अदरवाइज नेट अमाउंट इज लाइबल टू पे विद इन 25 डेज। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में हमें फर्दर हिंट देता है, पेमेंट वॉज मेड ऑन 19 जनवरी 2018, तो मुझे यहां कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब देखिए इनवॉइस है 20,000 की, अगर तो मैं 10 डेज में पेमेंट कर रहा हूं तो मैं 20,000 पे नहीं करूंगा, मैं कम पे करूंगा, और अगर मैं 10 डेज से ज्यादा में पेमेंट कर रहा हूं, ज्यादा दिनों में पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे पूरा 20,000 पे करना है, कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। जरा इसको देखिएगा, डेट ऑफ इनवॉइस पहली चीज ये चेक करनी है आपने, डेट है मेरी 10 और आपने पेमेंट की है 19 को, कितने दिनों के बाद पेमेंट कर रहे हैं, 9 डेज। अगर हम 9 डेज के बाद पेमेंट कर रहे हैं एज पर टर्म, ये 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितनी पेमेंट करनी है। अब जरा देखिएगा इनवॉइस वैल्यू जो है वो आपकी 20,000 रुपीज है, इनवॉइस वैल्यू 20,000 है, और चूंकि 9 डेज में पेमेंट कर रहे हैं तो लिहाजा इस पर लेस करेंगे हम सेटलमेंट डिस्काउंट, और सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, थ्री परसेंट, तो 3% आप कैलकुलेट करोगे 20,000 का, तो 20,000 का अगर मैं 3% लेता हूं दैट इज इक्वल टू 600, तो मैं 600 रुपीज लेस कर दूंगा, यानी इट मींस कि मुझे पेमेंट कितनी करनी है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 19,400 की पेमेंट करनी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, ये ए पार्ट कर लेते हैं, अब बी पार्ट मैं लिखता हूं जी, पेमेंट वॉज मेड, इफ द पेमेंट वॉज मेड, वॉज मेड ऑन 30th January 2018, सेम सिनेरियो, सिनेरियो चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने इफ का वर्ड लगाया, अगर पेमेंट 30th January को पेमेंट हो रही है, जरा पहली चीज आपने क्या चेक करनी है कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, 10 जनवरी, यानी डेट ऑफ इनवॉइस 10 जनवरी और पेमेंट आप कर रहे हो 30 जनवरी में, कितने डेज के बाद पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 20 डेज के बाद, एज पर टर्म एग्रीड 10 डेज के अंदर डिस्काउंट है, 10 डेज से ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अब चूंकि ये 20 डेज में पेमेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा मुझे अगर कोई पूछे कि आप कितनी पेमेंट करोगे, तो मैं कहूंगा जी कि आई विल मेक पेमेंट इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू विच इज इक्वल टू ₹20,000, यानी नो डिस्काउंट शैल बी एप्लीकेबल। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ये अक्सर इस तरह टर्म दी होती है क्वेश्चन में, अगर ये टर्म दी हो तो डेज को देखना बड़ा जरूरी है कि कितने दिनों के अंदर आप उसको पेमेंट कर रहे हो, अगर पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड आप कर रहे हैं तो फिर डिस्काउंट आएगा, अगर पेमेंट डिस्काउंट पीरियड के बाद कर रहे हो तो उसमें कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल 4 में मैं आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा, अगर दोनों डिस्काउंट एक ही टाइम में आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी और सेटलमेंट डिस्काउंट भी, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर ए परचेस्ड, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, ये एग्जाम्पल 3 की ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रिपीट कर दें सर, इसकी समझ नहीं आई थी।
कौन सी वाली बच्चे, कौन सी वाली? सर ये जो डेट इनवॉइस रेज्ड ऑन 10 जनवरी 2018। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसके उसके एक डेट तो होगी ना ट्रांजेक्शन की, कोई भी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनवॉइस रेज्ड ऑन 10 जनवरी, यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने गुड्स खरीदी हैं तो मैंने 10 जनवरी को खरीदी है। ये यहाँ पर सिर्फ ये मीनिंग है और कोई मीनिंग नहीं। असल में हम इनवॉइस हमारा डॉक्यूमेंट होता है, हम कोई भी अकाउंटिंग में जो एंट्री पास करते हैं ना, उसके पीछे एविडेंस होता है, और वो एविडेंस उसका इसी तरह इस ट्रांजेक्शन का एविडेंस वो इनवॉइस है। तो अगर 10 जनवरी की डेट लिखी हुई है इनवॉइस पर, तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्काउंट लगेगा। 10 दिन से ज्यादा अगर हो जाएगा तो कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, इसका मीनिंग ये है, ठीक है जी। ओके सर, अब मिस्टर सर समझ आ गई। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। मिस्टर ए परचेस्ड गुड्स ऑन 1st March 2018 on credit gross amount of invoice was rupees 70,000 subject to ~8% trade discount. Terms stated on invoice as 4/15 and 35. ठीक है, मिस्टर ए मेड पेमेंट, ये इसी तरह ए ले रहा हूं, मिस्टर ए मेड पेमेंट ऑन 14th March 2018 calculate the amount of payment, payment amount okay। अब मिस्टर ए ने कुछ पेमेंट की है 14th March को, अब कितनी पेमेंट की है ये हमें देखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर दो सिचुएशन आ रही है। नंबर वन के एक तो 1st March को उसने गुड्स बाय की है, बड़ी जरूरी है, ऑन क्रेडिट, और ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनवॉइस जो थी वो 70,000 थी, 70,000 सब्जेक्ट टू 8% डिस्काउंट। देखो अकाउंटिंग के अंदर जब वर्ड सब्जेक्ट टू का वर्ड आ जाए, ये लॉ के अंदर भी ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ हुआ, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ ना रुपीज दिस सब्जेक्ट टू दिस, तो सब्जेक्ट टू का मतलब इसका मीनिंग हम ये लेते हैं कि इससे सब्जेक्ट टू से आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, ये यानी 8% इस पर कैलकुलेट नहीं हुआ। तो जब दो डिस्काउंट आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसमें अब कैलकुलेशन कैसे होगी? ये दोनों कैलकुलेशन को मिक्स कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। तो सबसे पहले मैं लूंगा जी ग्रॉस अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। देखिए ग्रॉस अमाउंट कितनी है मेरे पास 70,000। मैं सबसे पहले डिस्काउंट लेस कर दूंगा, कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देता हूं, हमेशा तरतीब ही होती, पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है,
क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट यकम जनवरी को यकम मार्च को अप्लाई होगा और सेटलमेंट डिस्काउंट अप्लाई होगा जब पेमेंट करोगे, वो तो उसके बाद आएगा ना, इसी तरतीब भी यही बनती है। अब ट्रेड डिस्काउंट है 8%, अब 8% किस अमाउंट का लूंगा, 8% ऑफ रुपीज 70,000। अब 70,000 का 8% अगर मैं लूं, ये 5600 आ जाएगा। अब जब 5600 लेस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 64,400। ठीक है जी, यहां तक पहली कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, अब उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट की तरफ आते हैं। याद रखिएगा, सेटलमेंट डिस्काउंट जो है, सेटलमेंट डिस्काउंट, वो उसके लिए मैंने प्रिंसिपल क्या बताया था, डेज चेक करो। देखो इनवॉइस की डेट क्या है, 1st मार्च। टर्म क्या कह रही है, 4% डिस्काउंट शैल बी एप्लीकेबल इफ द पेमेंट इज मेड इन विद इन 15 डेज। ओके, अब हम पेमेंट कब कर रहे हैं, मिस्टर ए कब पेमेंट कर रहा है, 14th मार्च को। अब ये कितने दिन बनते हैं, 1st मार्च से 14 मार्च, 14 डेज बन रहे हैं। यहां तक मैं अगर लिखूं तो 14 डेज, अगर ये 14 डेज बन रहे हैं और 15 डेज तक मेरा डिस्काउंट है तो इसका मतलब 4% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। अब इसमें से मैंने लेस करना है डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। अब जब मैं सेटलमेंट डिस्काउंट लेस करूंगा तो 4% किस अमाउंट का लेंगे, यहां स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये 4% अगेन 70,000 का ले जाते हैं जो कि गलत है। याद रखिएगा कि जो अब इनवॉइस की असल वैल्यू है वो 64,400 है, क्योंकि 8% डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट नहीं लगता कभी, तो लिहाजा ये लेस करके जो अमाउंट आएगी उस पे डिस्काउंट लगेगा, तो लिहाजा 64,400 का आप 4% लोगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ, 64,400 इंटू 4% 2576। अब ये अमाउंट जब मैं लेस करूंगा इसमें से 64,400 में से, तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 61,824। जी ठीक है, 61,824। तो मुझे कितनी पेमेंट करनी है, ये मैं कैश पेमेंट करूंगा। अगर मैंने 14 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, यानी 14th मार्च को पेमेंट करनी है, इवन 15th मार्च को भी अगर मैंने पेमेंट करनी है, 15th को भी, तब भी डिस्काउंट लगेगा, यानी 61,824। लेकिन अगर मेरी पेमेंट लेट हो जाती है, मैं पेमेंट टाइम पे नहीं करता, मिस्टर ए 15th मार्च से लेट पेमेंट करता है, तो फिर कितनी पेमेंट करेगा। अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं और यहां लाऊंगा बी पार्ट, यहां लिखता हूं कंटिन्यूइंग, continue to example 4, ठीक है जी। अब यहां पे मैं लिखता हूं बी, मिस्टर ए मेड पेमेंट ऑन 27th March 2018. So the calculate payment amount अब मैं यहां से payment amount calculate करना चाह रहा हूं। तो लेट स्टार्ट, पहला काम क्या करना है उसी तरीके से, सारा डाटा वही है, तो ग्रॉस अमाउंट लूंगा और ग्रॉस अमाउंट जो है वो 70,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा या नहीं होगा। ऑलवेज रिमेम्बर, ट्रेड डिस्काउंट का कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो 4, 15 and 35 ये कंडीशन होती है, ये पेमेंट कंडीशन होती है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हर हालत में मिलना है, तो लिहाजा आप पहले उसी तरीके से लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए मुझे डेज चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट लूंगा
और ट्रेड डिस्काउंट मेरा 5600 आ गया। अब 70,000 में से 5600 लेस कर दें तो 64,400 मेरी अमाउंट आ गई। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं मैं पेमेंट कब कर रहा हूँ, 27 मार्च को, और इनवॉइस कब रेज हुई थी, 1 मार्च को, तो मैं कितने दिन के बाद पेमेंट कर रहा हूँ, 27 डेज के बाद। और मेरी टर्म्स क्या कहती हैं, मेरी टर्म जो एग्री हुई है इनवॉइस पर लिखी हुई है वो ये क्लियरली बता रही है कि डिस्काउंट शेल बी एप्लीकेबल इफ द पेमेंट विल बी मेड इन 15 डेज। नाउ द पेमेंट वॉज मेड इन 27 डेज, इट मीन्स नो फर्दर डिस्काउंट शेल बी एप्लीकेबल, सो नो सेटलमेंट डिस्काउंट शेल बी एप्लीकेबल। तो 64,400 जो है वो मुझे कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अब इस एग्जांपल से मैं आखिरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी टर्म दी हो उसमें जो डेज होते हैं जिसपे डिस्काउंट अप्लाई हो, तो अगर उस डेज में पेमेंट करेंगे तो कम पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर उस डेज से एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तो मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी अब इस एग्जाम्पल के तहत मिस्टर ए अगर विद इन 15 डेज पेमेंट करेगा, इवन 15 डेज को भी पेमेंट कर देगा, तो उसको पेमेंट करनी है 61,824। लेकिन अगर वो पेमेंट करता है आफ्टर 15 डेज तो फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 64,400। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन इसलिए डिस्कस की कि इससे आगे जो आप हमारा काम स्टार्ट हो रहा है उसमें ये कैलकुलेशंस भी आएंगी, क्योंकि इससे आगे जब मैंने मूव करना है तो उससे आगे हमारे एक ट्रांजेक्शन में 3 या 4 भी हेड ऑफ अकाउंट यूज हो सकते हैं। कल तक जो मैंने आपके साथ ट्रांजेक्शन डिस्कस की थी या कल जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वहां पर सिर्फ 2 हेड थे, सिर्फ 2, और वो एंड पे एक डेबिट हो जाता था और एक क्रेडिट। यहाँ पर अब यकीनी बात है मैंने पहले बताया कि 2 से ज्यादा होंगे तो मुझे अमाउंट की जरूरत है और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी। ठीक है जी, तो अब मैं अगली ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट में नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। जी, तो आज हम जरा ट्रांजेक्शंस करेंगे। ट्रांजेक्शन से पहले एक चीज डिस्कस भी कर लें। एक हम अकाउंटिंग में कहते हैं कंपाउंड ट्रांजेक्शन। ये टर्म भी साथ साथ आप सीखते जाएं। कंपाउंड ट्रांजेक्शन, इसको हम डिफाइन करते हैं एनी ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट। ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उस ट्रांजेक्शन को हम कंपाउंड ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं। इससे पहले जो हम जितनी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं टिल असाइनमेंट, जो असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी, उन असाइनमेंट में भी जो एक डेबिट था और एक क्रेडिट था, ठीक है, उसी उसको कंपाउंड नहीं कहते। कंपाउंड ट्रांजेक्शन उसे कहेंगे जहां एक से ज्यादा डेबिट होंगे और एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे। तो आज मैंने जो आपसे डिस्कशन स्टार्ट करनी है नेचुरली वो मेरी कंपाउंड ट्रांजेक्शन से रिलेट करेगी। लेट्स स्टार्ट कंपाउंड ट्रांजेक्शंस। मैं पहली ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। अब उसी तरह 4 स्टेप फॉलो जरूर करेंगे लेकिन उसका कॉलम नहीं बना रहा, हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूं मिस्टर बी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000 and furniture worth rupees
25,000. अब इस ट्रांजेक्शन में देखिए, मिस्टर बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश एंड फर्नीचर, ठीक है। तो अब यहां पर हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे, जरा उसकी डिस्कशन करते हैं। इसमें हेड ऑफ अकाउंट्स की, तो मैंने जैसे पहले बोला कि इसमें दो से ज्यादा हेड ऑफ अकाउंट होंगे, सॉरी एक से ज्यादा होंगे, ओवरऑल दो से ज्यादा होंगे, यानी कम से कम एक डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट, या एक क्रेडिट और एक से ज्यादा डेबिट होंगे। सो वेल, सबसे पहला हेड आपके माइंड में क्या आ रहा है, तो जरा आप ही पार्टिसिपेट करें, एनी स्टूडेंट कोई भी जवाब दे सकता है। जी सर, पहला कैपिटल होगा, ठीक है, और दूसरा कैश, गुड, और सर तीसरा हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक है जी, बिल्कुल सही आपने बताया। अब यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया जी तीन हेड, पहला हेड उसने बताया कैपिटल, सेकंड हेड कैश, और थर्ड हेड फर्नीचर। लेकिन ये बात है, अगर वैसे आपसे बात करूं तीन हेड है, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल तभी हो सकता है जब दो डेबिट का सम एक क्रेडिट के, या दो क्रेडिट का सम एक डेबिट के इक्वल होगा। ओके, अब उसी चार स्टेप को हम फॉलो करते जा रहे हैं। कैपिटल इज ऑनर्स इक्विटी, एंड ऑनर इक्विटी हैज इंक्रीज्ड, वाज इंक्रीज्ड, अब ये इंक्रीज हुई है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी वुड बी क्रेडिट। अब कैपिटल कितना लेकर आया मिस्टर बी बिजनेस में, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट बताएगा कैपिटल कितना लेकर आया, सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। देखिये 60,000 तो कैश लेकर आया ना, वो भी कैपिटल है, और फर्नीचर जो लेकर आ रहा है बिजनेस में वो भी तो कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिएगा, क्या पढ़ा था, एनीथिंग ब्रॉट, मैंने वहां कैश का वर्ड नहीं लिखा था, एनीथिंग ब्रॉट बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज और हर बिजनेस, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर मिस्टर बी दो चीजें लेकर आ रहे हैं, कैश भी लेकर आ रहे हैं और फर्नीचर भी लेकर आ रहे हैं, ये दोनों चीजें उसका कैपिटल कंसिडर होंगी। Always remember कि यहाँ 60,000 नहीं आएगा, capital shall be rupees 85,000। बार-बार कहता हूँ आपसे, अब माशाल्लाह आप लोगों की progress बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आपने इसको कम नहीं, आपने ये नहीं समझा, मुझे सब कुछ समझ आ गया। बहुत carefully एक एक definition को गौर से देखना है, दोबारा देखा करें, जब मैं बोलूँ लेक्चर लूँ इसके बाद बैठा करें, देखा करें कि वाकई मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक भी है या ऐसी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपना भी अपने आप को सिक्योर करना है और जाकर दोबारा उसको रीचेक करना है। तो कैपिटल की डेफिनेशन में हमने लिखा था एनीथिंग, ठीक है। सो वेल, अब आइएगा कैश में, तो कैश ऑब्वियसली बिजनेस का एसेट है, और एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आ रहा है ना बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको डिक्रीज नजर आएगा, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा। और क्योंकि अब कैश की बात हो रही है, कैश बिजनेस में कितना आया, 60,000, ठीक है, सिर्फ कैश की अब बात हो रही है। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर इज आल्सो अवर एसेट, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट जो है फर्नीचर कितनी वैल्यू का है, 25,000। तो अब अगर इस ट्रांजैक्शन को और से देखिएगा, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन दो डेबिट हैं, अगर इसका सम करूंगा तो यकीनन ये क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, जो कि हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि ये क्रेडिट के इक्वल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर टू, परचेस्ड मर्चेंडाइज worth rupees 37,000
of which rupees 12,000 was paid in cash and balance shall be payable in 30 days okay again आप लोगों से कहूंगा जी अकाउंट हेड आइडेंटिफाई करो एनी स्टूडेंट जी प्लीज एनी स्टूडेंट सर मर्चेंटाइज होगा अकाउंट हेड सर एक मर्चेंटाइज होगा दूसरा कैश होगा और अकाउंट्स पेबल होगा अकाउंट्स पेबल होगा दैट्स गुड ठीक है इसमें जो पहला हेड आएगा हमारा इन्वेंटरी जी आप परचेस भी लिख सकते हो इन्वेंटरी भी जैसे मैंने बताया था अब मैं परचेस यूज करूंगा परचेस सेकंड हेड आपने बताया कैश एंड थर्ड इज अकाउंट्स पेबल व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रेडिटर्स अच्छा अब परचेस चूंकि इन्वेंटरी को रिप्रेजेंट करता है हम इसको एसेट लेंगे एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आ रहा है ना आप परचेज कर रहे हो और इंक्रीज इन एसेट जो है दैट इज डेबिट और कितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है मैं परचेज कितनी कर रहा हूं एनीवन एनी स्टूडेंट 37,000 दैट्स गुड अब 37,000 की परचेज कर रहे हैं ये लिखा भी हुआ है परचेज मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 37,000 ओके अब दूसरा हेड हमने इसमें से लिया कैश बिकॉज ये लिखा हुआ है कि पेड इन कैश अब कैश एसेट है और चूंकि आप पे कर रहे हो कैश व्हेन द कैश इज पेड डेफिनेटली इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस ये डिक्रीज होगा और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा और कैश कितना पे कर रहे हैं ये क्लियरली लिखा हुआ है 12,000 वाज पेड इन कैश सो 12,000 मेरा कैश में क्रेडिट हो गया उसके बाद पेबल अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर इट इज अ लायबिलिटी तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज ऑब्वियसली लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्यों इंक्रीज हो रही है क्योंकि जब मैं गुड्स क्रेडिट पे बाय करूंगा तो उसके अगेंस्ट मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो लिहाजा वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है राइट नाउ तो 25,000 से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन लायबिलिटी भी क्रेडिट होता है और ये 25 की अमाउंट कहां से लेकर आया मैं ये क्वेश्चन में देखें एंड बैलेंस शैल बी पेएबल बैलेंस का मतलब क्या है देखें अगर आप 37,000 की गुड्स आज बाय करते हैं और उसी वक्त आप 12,000 उसको दे देंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे द रिमेनिंग 25,000 इन फ्यूचर एंड व्हाटएवर द अमाउंट व्हिच इज लायबल टू पे इन फ्यूचर शैल बी अ लायबिलिटी ठीक है लायबिलिटी के अमाउंट ऑटोमेटिकली 25,000 है अब इस ट्रांजैक्शन में देखें तो टू क्रेडिट थे जबकि पिछले ट्रांजैक्शन में टू डेबिट थे अब यहां टू क्रेडिट है अगर मैं इसको सम करूंगा तो 37,000 व्हिच इज इक्वल टू डेबिट 37,000 अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 कैश पेड टू सप्लायर रुपीस 27,700 इन फुल सेटलमेंट of invoice of rupees 28,000
अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट्स में एक चीज बजाय हिडन है, ठीक है, कुछ चीजें बड़ी क्लियर है, पहले मैं उसकी डिस्कशन करूं। लेकिन लिख रहा है इसमें ट्रांजैक्शन में कैश पेड, तो एक तो ऑब्वियसली मैं फॉरन लिखूंगा कैश, और दूसरा वर्ड है टू सप्लायर, या नेम नहीं दिया सप्लायर दे दिया, इट्स ओके सप्लायर, तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स पेएबल भी आएगा, ठीक है जी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कैश पेड टू सप्लायर 27,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ, ये जो वर्ड है इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ 28,000, यानी इसका मीनिंग क्या है पहले तो इसको देख लेते हैं। इनवॉइस थी मेरे पास 28,000 की सप्लायर की, मैंने उसको पेमेंट करनी थी, ठीक है, और इनवॉइस 28,000 की है, मैं उसको पे कर रहा हूँ 27,700, ठीक है, कम पे कर रहा हूँ, ये 300 रुपीज, क्या अब इसका मीनिंग क्या है, दो मीनिंग हो सकते हैं। नंबर वन कि ये जो 300 रुपीज है ये मैं फ्यूचर में पे करूंगा, ठीक है, यानी अभी मैंने 27,700 दिया, 300 मैं बाद में उसको दूंगा। दूसरा मीनिंग ये है कि 300 मैं उसको पे नहीं करूंगा और उससे डिस्काउंट ले लूंगा, तो ये कैसे जज होगा कि ये डिस्काउंट है या नहीं, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, वर्ड्स अंडरलाइन की है, इसको गौर से देखें, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि 28,000 रुपीज के अगेंस्ट जब मैंने 27,700 उसको पे कर दिए तो ये मेरी इनवॉइस सेटल हो गई, यानी अब मुझे मजीद कोई पेमेंट नहीं करनी, तो लिहाजा जो 300 का डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज नोन एज डिस्काउंट। अच्छा अब जब ये डिस्काउंट की बात आई तो हमने दो डिस्काउंट पढ़े थे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो अब आपने थोड़ा सा थिंक करना है किस तरह कि देखिए जब मैं पेमेंट किसी को कर रहा हूँ तो ये 300 मुझे बच रहे हैं या मैं किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली 28,000 मैंने देने थे, 27,700 मैंने दिए, तो 300 मैंने सेव किए, तो लिहाजा ये जब मैंने सेव किए तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड तीसरा हेड आएगा, दिस हेड इज नॉन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके अब इसी के आगे मूव करते हैं, कैश, कैश इज अवर एसेट, और चूंकि कैश में पे कर रहा हूं तो कैश को जब पे करूंगा तो ये डिक्रीज इन एसेट है, और डिक्रीज इन एसेट कितना होगा, क्या होगा क्रेडिट, और कैश की अमाउंट क्लियरली लिखी हुई है क्वेश्चन में, कैश पेड टू सप्लाई 27,700, यानी आप जो पेमेंट कर रहे हो वो 27,700 की, ये क्रेडिट हो गया। ओके उसके बाद अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर इज अवर लाइबिलिटी, अब ये लाइबिलिटी मेरी बिजनेस में डिक्रीज हो रही है, क्यों, जब मैं पे कर देता हूं तो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो दोनों सूत्रों में डिक्रीज हो रही है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जैसे आपने एक, आपके पास एक चालान मौजूद है और अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई, तो जिस दिन ड्यू डेट आएगी आप पे कर दोगे तो आपकी लाइबिलिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड, ये डेबिट होगी, कितनी अमाउंट से डेबिट होगी, 28,000 से। ये अकाउंट्स पेबल इनवॉइस की वैल्यू 28 है और लाइबिलिटी की वैल्यू भी 28 हुई, इनवॉइस से ही वैल्यू आपकी लाइबिलिटी बनती है, रिकॉर्ड होती है। अच्छा अब निकली बात है, ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल भी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें डिस्काउंट आ रहा है। अब डिस्काउंट रिसीव को अदर इनकम ट्रीट करते हैं, यानी रेवेन्यू फिलहाल होगा और यहाँ पर इनकम मेरी बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू जो है वो मेरा क्रेडिट होगा, बाय हाउ मच अमाउंट, वो तो क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस 300। अब देखिएगा अगेन इस ट्रांजैक्शन में दो क्रेडिट आ गए और दोनों क्रेडिट को अगर मैं सम करूंगा तो ये डेबिट 28,000 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह ट्रांजैक्शन में बाज औकात कोई एक आधा हेड ऐसा होता है जो हिडन होता है, जो हमें नहीं दिया होता। अब फोर्थ में अब आऊंगा, एक और ट्रांजेक्शन इसी तरह लेंगे और मैं लिखता हूं जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रुपीस 29,500
इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ रुपीज 30,000. ये भी सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट यूज होगा. आप जरा अकाउंट हेड यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से चले कैश रिसीट हुआ है तो अभी तो रिसीट और पेड का बात का मसला, लेकिन हेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एक हेड तो क्लियर हो गया कैश. सेकेंड हेड देखते हैं फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव हुआ. अगेन इस ट्रांजेक्शन में मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन कस्टमर लिख दिया तो ये नेम को ही रिप्रेजेंट करता है. तो कस्टमर के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था, हेड ऑफ अकाउंट डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल. तो यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल का वर्ड लिख रहा हूँ. अच्छा, इसे आगे पढ़िएगा. 29,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ रुपीज 30,000. यानी आप देखिएगा अगेन वही बात कि 30,000 मैंने लेने हैं कस्टमर से, इनवॉइस मैंने रेस की हुई है 30,000 की, वो मुझे 29,500 पे कर रहा है, यानी मुझे रिसीव हो रहे हैं 29,500. तो व्हाट अबाउट 500 रुपीज? देयर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट कि वो कस्टमर मुझे 500 बाद में पे करेगा. नंबर टू कि वो 500 मुझे पे नहीं करेगा, बल्कि मैंने उसको 500 जो है वो डिस्काउंट दे दिया है. तो ये कैसे अंदाजा होगा? जैसे मैंने पिछली ट्रांजैक्शन में भी बताया, फुल सेटलमेंट, वर्ड फुल सेटलमेंट क्लियरली बता रहा है कि मजीद कोई इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं रिसीव होगी. तो दिस डिस्काउंट इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड. ये डिस्काउंट अलाउड क्यों है? ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, जब हम डिस्काउंट देंगे दिस इज नॉट एट डिस्काउंट अलाउड. अब जरा इसको देखते हैं कैश को. कैश इज अवर एसेट. कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज क्यों हो रहा है? कि कैश में कस्टमर से रिसीव कर रहा हूं, इंक्रीज हो रहा है. और इंक्रीज इन एसेट जो है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा. और कैश कितने से डेबिट होगा? जरा ट्रांजेक्शन का पहला हिस्सा देखिएगा. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रुपीज 29,500, यानी 29,500 हमने कैश रिसीव कर लिया. 29,500, ओके, ये डेबिट हो गया. अब सेकंड हेड की तरफ आते हैं. सेकंड हेड अकाउंट रिसीवेबल. जब हमने हेड ऑफ अकाउंट पढ़े थे उस वक्त भी पढ़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल या डेटर एक ही चीज है और ये दोनों करंट एसेट हैं. हमें यहाँ करंट नॉन करंट तो नहीं देखना होता, ये एसेट है तो मैं इसको एसेट ट्रीट कर रहा हूँ. अब ये बिजनेस में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? देखिए, अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होती है जो आपने किसी कस्टमर से लेनी है. जब आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, नेचुरली उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा. तो ये डिक्रीज इन एसेट कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल. अब डिक्रीज इन एसेट जो है वो कितनी अमाउंट से होगा? अच्छा, अब मैंने कस्टमर से कितनी अमाउंट लेनी थी? 30,000. तो डिक्रीज तो पूरी अमाउंट हुई ना 30,000. तो मैं 30,000 रुपीज से इसको क्रेडिट कर. अब अगेन देखो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दरमियान में डिस्काउंट मौजूद है. अब आएगा थर्ड, डिस्काउंट अलाउड. जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, इट बिकम्स अवर एक्सपेंस. और एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, और ये भी बताया था कि एक्सपेंस डिक्रीज होता ही नहीं है. तो इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है वो मेरा डेबिट होगा. और डेबिट कितनी अमाउंट से होगा? यकीनी बात है 30,000 के अगेंस्ट अगर मैं 29,500 रिसीव कर रहा हूँ तो 500 का डिस्काउंट दे रहा हूँ. अब जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, यू कैन सी अगेन देयर आर टू डेबिट एंड वन क्रेडिट. अब टू डेबिट जो है 29,500 और 500 30,000, ये इसका सम जो है वो क्रेडिट के इक्वल आ गया. आज मैंने कुछ कैलकुलेशंस आपसे डिस्कस की और कुछ ट्रांजेक्शंस आपसे डिस्कस की कंपाउंड, और अभी कंपाउंड ट्रांजेक्शन में आगे बढ़ूंगा और जरा थोड़ी सी ट्रिकी ट्रांजेक्शन की तरफ भी मूव करूंगा. अभी सिर्फ मैं तीन तीन हेड को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, तो प्लीज आज का लेक्चर जो है आपने, अब ये खत्म होने को है, टाइम खत्म हो रहा है मेरे लेक्चर का, तो प्लीज आपने इसको जरा अच्छी तरह रिवाइज करना है. ये सारी चीजें रिवाइज करनी, ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर होगा.